हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप अपने स्मार्ट टीवी में गूगल को किस तरह से चला पाएंगे। आपका कोई भी कंपनी का टीवी हो, चाहे वो एमआई का हो, सैमसंग का हो या फिर अकाई का हो, कोई भी कंपनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मेरे टीवी में अभी गूगल ओपन है, तो ये मैंने किस तरह से किया चलिए आपको बताते हैं। तो इसको क्या करना है, आपके आपका जो भी टीवी का रिमोट है उसमें आपको एक होम का साइन मिलेगा, होम का आइकॉन मिलेगा, तो आपको उसको प्रेस कर देना है। उसको प्रेस करके चलिए हम होम स्क्रीन पे चले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। सर्च है, उसके बाद होम है, शॉप्स है, डिस्कवर है, ठीक है, एप्स करके, ऐसा करके बहुत सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे हम टीवी में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, इसी तरह से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, ये नहीं है लेकिन ये जैसे कि देख सकते हैं आप गूगल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा गूगल का जो भी स्क्रीन है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कीबोर्ड जो है या फिर कीवर्ड्स जो भी है यहाँ पे अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो चलिए हम जैसे कि सर्च कर लेते हैं व्हाट्सएप को। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप को लिख दिया है और यहाँ पे देखिए अब देख सकते हैं एरो के ऊपर मैं ले आई हूँ क्लिक को। चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा गूगल पे सर्च करने के बाद वेब पेज जो है वो खुल करके आ चुका है। अब यहाँ पे आपको एरो मिल जाता है, तो रिमोट की हेल्प से आप कहीं भी इस एरो को लेकर जाने के बाद आप यहाँ से क्लिक करके अपने व्हाट्सएप को टीवी में भी लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने किसी भी स्मार्ट टीवी में गूगल को चला सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।